शो में आके कैसा लग रहा है? मेरा नाम अमीषा पंचोली है, मैं गुजरात से आई हुई हूँ और यहाँ पे जो ग्लोबल एक्सीलेंस आइकॉन अवार्ड 2019 है, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अवार्डी भी हूँ। मैंने लास्ट ईयर मिसिस इंडिया यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था और विनर रही थी, और इस बार भी ये जो चल रहा है मिस एंड मिसिस दिवा इंटरनेशनल, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मिसिस जो विवाहित लड़कियां हैं वो भी आजकल बहुत आगे आ रही है। मैं भी खुद एक मतलब 20 साल से शादीशुदा हूँ और मेरी एक 18 साल की बेटी है, और इस प्लेटफॉर्म पे आके आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नाम बताइए और कैसा लग रहा है इस शो में आके, इसके बारे में कुछ? मेरा नाम है खुशबू मित्तल, यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस इज़ ग्लोबल एक्सेलेंस आइकन अवार्ड 2019 एंड आई एम द अवार्डी ऑफ दिस अवार्ड एंड आई एम रियली फीलिंग अमेजिंग। यहाँ पे जितने भी अवार्डीज हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, दे आर सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट। तो इस एज में इतना कॉन्फिडेंस देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड स्पेशली जो मैरिड वुमेन हैं विद किड्स वो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एंड मैं खुद एक मैरिड वुमेन हूँ, मेरी छोटी बेटी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है टू सी वुमेन कमिंग फॉरवर्ड। बेटी बढ़ाओ कंसेप्ट था कि जीवन के हर पल में महिलाओं की महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं के स्वावलंबन का प्रतीक हमने ये कार्यक्रम चुना, और देश भर में हमने एक ऑडिशन रखा जिसमें लोगों को चुना और उनकी प्रतिभा को आज आकलन करने का समय था। इसी के साथ शिक्षा, संगीत, खेल आदि अन्य क्षेत्रों में भी सम्मानित लोगों को हमने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट इसमें अंका वर्मा थी, जो समाज सेविका भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करती हैं। Ma'am, what's your feel today about this show? It's a privilege to be here today, and I'm thanking to Yash Gupta and to Gaurav Sharma. It is an amazing event, and I was so surprised to see the young girls, which they are so confident, and the generation is totally changed. Before we used to be shy, but now confidence is growing, and it's very good because the family is encouraging the girls for having more confidence in themselves, and they will be able to face any situation in the world. And of course, the ladies, the married ladies, also the same. They forget of cooking, they forget of washing, and today they put a nice cloth, and they are showing that every woman it can face any situation, can be in the kitchen and can be on the stage also. So it's an amazing event, and good. It's Yash and Gaurav Gupta is doing a lot. Gaurav Sharma, sorry, is doing a lot of things for encouraging this kind of events, and should happen again and again. Very soon. शो के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शो अपने आप देखा ही है कितना अच्छा चल रहा है, और लड़कियों के बारे में तो आजकल बहुत पावर के उसमें चल ही रहा है, तो एक लड़की है जो सब कुछ सारे किरदार निभाती है। उसके साथ साथ हमने एक ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड भी रखा हुआ था वीर भूमि के साथ मिलके, जो कि अलग अलग फील्डों के अलग अलग जो भी हमारे थे जितने अपने अलग अलग फील्डों में जो जो बड़े काम किए हैं, सोशल वर्क किया है, किसी ने कुछ किया है, उन सबको भी हमने आज इस मंच के द्वारा सम्मानित किया। देखा जाए तो सर आज जो ये शो हुआ है, आने वाले टाइम में ऐसे कौन सी कैटेगरीज बकाया हैं जो आप अपने शो के माध्यम से करवाने वाले हैं? बिकॉज देखा जाए तो अभी मॉडलिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है, तो डांस और सिंगिंग को भी आने वाले टाइम में देखा जाएगा आपके शो में उसके लिए? जी जी जरूर, आपने बोला है और आप ज़रूर इस पर काम होगा, और ज़रूर डांसिंग के साथ सिंगिंग भी और सारे टैलेंट जो भी होगा वो दिखाया जाएगा। जी भारत जी, आप सोशल वर्क भी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, लेकिन आज भी दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है, क्या वजह मानते हैं इसकी? कहीं ना कहीं समाज की अपनी जो मानसिकता उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर लड़की को अपनी बेटी मानना पड़ेगा, तभी महिलाएँ सुरक्षित रहेंगी। हम ये सोचें कि हमारी बेटी लेकिन दूसरे की बेटी रहेगी, तब तक समाज में चेंज नहीं कर सकता। क्या मैसेज रहेगा आपकी? मेरा कि भाई समाज में सही बेटियों का बहुत अच्छा लग रहा है एसोसिएट होके बार बार, और ये फोर्थ सीजन है दिवा ऑफ इंडिया इंटरनेशनल का, बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग,
इन दो दिन के दौरान की गई है अलग अलग क्षेत्रों में, फिटनेस, नो वॉक, पॉइज, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से आके। हाँ नहीं बिल्कुल, पूरे भारत से फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड प्लेसेस लॉट ऑफ फ्रेश टैलेंट हैज़ बीन यू नो एक्सट्रैक्टेड। द बेस्ट पार्ट यहाँ का क्या है कि हर शहरों से, छोटे छोटे शहरों से भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं और बहुत दिल लगा के वो ग्रूम होना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रियली एक्सप्लोर दी इंडस्ट्री एंड बहुत सिंसियरली अच्छे टैलेंटेड को इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा फाइंड किया। सर, जिस तरह के पार्टिसिपेट आपने अलग अलग राज्यों से लाए, उनकी लाइफ क्या रहेगी आपके साथ जुड़ने का, इस शो के बाद जो विनर्स होंगे उनको आगे क्या क्या बेनिफिट हुए जाएंगे उनके बारे में सर बताएं। हाँ, जो लाइफ है मैं आपको सच्ची बताता हूँ, बिकॉज हमें एक बात की बड़ी खुशी की, इंडिया में अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, नॉलेज नहीं होती थी, तो उसके कारण घर वाले भेजते नहीं थे। आज की डेट में इतनी रिसोर्सेज हैं, बच्चे बहुत अवेयर हैं कि क्या ऐसी इंडस्ट्री है, नॉलेज ले रहे हैं, और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अपने बच्चों को बहुत सारी प्लेटफॉर्म दे चुका है। कुछ बच्चे हमारे इस साल पेरिस जा रहे हैं एज अ फेस ऑफ इंडिया बन के, यूरोप जा रहे हैं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट, हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत प्लेटफॉर्म्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। सीरीज है, सी एंड ऑफ द डे ये प्लेटफॉर्म है पर्सनालिटी को एनहांस करने का, फाउंडेशन एनहांस करने का, डायरेक्शन देने का। सी इस एज में हमेशा बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो मोबाइल्स में या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। दिस ब्रिंग्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसे, अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, दे आर सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, दे नो हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, हमारी अपनी बात सामने रखने की क्षमता, फिर और उसके ऊपर इफ दे आर एबल टू एक्सेल तो अपनी बात पूरे संसार और देश भर की बात वो रखने की क्षमता, सोशल अवेयरनेस। काफ़ी अच्छे टैलेंट है जो कि साउथ में अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो हमारे इस बार पार्टिसिपेट कर रही है, चाइल्ड टैलेंट्स हैं और उनका अपना काफ़ी प्रेजेंस है, उसके बावजूद वो पेजेंट में आई है अपने आप को निखारने के लिए और उभारने के लिए। सॉरी मैंने सुना, ऐसे में क्या संदेश रहेगा जो जनता भी आपको देख रही है? हमारा संदेश है कि सपोर्ट करें और सच्चाई को समझें, सुंदरता अपने अंदर देखें और अपने बच्चों को अपने हिसाब से क्रिएटिविटी को ग्रो करने दें, क्योंकि क्रिएटिविटी ही एक्सेल है। आप कॉपी करते रहेंगे एक ही क्षमता में, पूरा देश हमारा नहीं ग्रो कर सकता। बताएं कैसा था और आप लोगों को कैसा लगा ये शो? शो हमें ये 4 साल से 14 सीजन है, 4 साल से हम इस शो को कर रहे हैं और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि नई नई प्रतिभा इसमें आए, नए नए जगह से लोग आएँ, लड़कियाँ जो अपना आपको आज नारी सुरक्षा जो अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है, यहाँ पे आने से उनमें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो और एक उनमें नई चेतना, नए लोगों के अंदर विचार और एक नई सोच, क्योंकि आज नारी जो है सब चीज़ों में आगे बढ़ रही है, तो नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और हम उसमें एक नई ऊर्जा, नई ताकत और नई सोच पैदा करना चाहते हैं इसके। मेरा नाम संजीत कुमार झा और ये बहुत बहुत बढ़िया लगा और यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट सब कुछ बढ़िया है। क्या लगता है सर, इस लाइन में आने के लिए लोगों के पास पैसा पावर होना जरूरी है या फिर कोई भी आ सकता है? नहीं, टैलेंट होना चाहिए, पैसा पावर की इम्पोर्टेंस नहीं है। शो में आके कैसा लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस शो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया एंड मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छा करें। मॉडलिंग कब से कर रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए? 6-7 महीने। तो आप कहाँ से रहने वाली हैं? आप मैं बुहाना गांव से रहने वाली हूँ, झुंझुनू ज़िले में बुहाना गांव से। तो क्या मैसेज रहेगा जयपुर के वासियों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, माई नेम इज़ कौशिकी महेश्वरी एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आसाम एंड मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं लास्ट ईयर के ओविनर खेल चुकी तो इस बार मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के बहुत सारे लड़के इंस्पायर हो और उन लोग भी लाइक विनर के लिए ट्राई करें कि उन लोग भी विनर का नाम लेके जा सके। थैंक यू। स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आज ग्लोबल एक्सेलेंस आइकन अवार्ड्स क्या कहेंगे सो ऑर्गेनाइजर क्या कहेंगे जिस तरह से? देखिए मेरा नाम गौरव है और मैं मेरठ यूपी से आया हूँ। मेरा जो मेन काम है वो एजुकेशन में और गरीब बच्चों को शिक्षा देने का मेरा मेन काम है और मैं रूरल एरिया में, स्लम एरिया में काफ़ी काम करता हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में। ये जो यहाँ आयोजक हैं, इन आयोजकों ने
गरीब तबके के बच्चों को लाए हैं, उन प्रतिभाओं को निकाला है जो प्रतिभाएं बिल्कुल दबी हुई थी, जिनको कभी मौका नहीं मिलता था, जो अच्छे स्टेज पे आ नहीं सकती थी, इन आयोजकों ने उन प्रतिभाओं को निकाला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, आयोजकों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। My name is Janvi. I'm from New Delhi, and I have been fresh face, and I've been working with NGOs lately. So this award has been really great that I just received, and I'm very happy, and I wish all the best. आज हम प्रोग्राम के बारे में बताना है, कैसा था, आप लोग आए कैसे? वी आर हियर एट ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड हम लोग यहाँ के ऑफिशियल मेकअप पार्टनर हैं, शी इज़ रुबीना वर्मा। हेलो। एंड वी हैव अ स्टूडियो एट जनकपुरी, वी हैव डन द मेकअप फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हियर एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। इनके और भी इवेंट आ रहे हैं जिसमें हम आगे पार्टिसिपेट करेंगे एंड आई होप वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक आज के जो जनरेशन है दे आर मोर कॉन्शियस कि उन्हें कैसा दिखना है, हाउ डू दे लुक, हाउ डू दे ग्रूम देयर सेल्फ, तो हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए। तो आई थिंक वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ सच इवेंट्स एंड इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और हम साथ इसी तरह से बार बार इनके साथ जुड़ना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे। एक्चुअली खूबसूरत मेकओवर्स का काम ही है लोगों को खूबसूरत बनाना और ये तो इवेंट ही खूबसूरत का है, तो दैट्स व्हाई रुबीना वर्मा मैम का जो है पूरा बहुत बड़ा ब्रांड है खूबसूरत मेकओवर्स, इनकी बहुत बड़ी एकेडमी है। मेरा नाम परमानंद खेतान, आज जो ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है मुझे, ठीक है, अच्छा लगा।